हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको माउजर, पिस्टल और रिवॉल्वर में क्या अंतर होता है ये बताने जा रहे हैं। फिल्मी दुनिया में माउजर गन को तो आप सभी ने देखा या सुना होगा, पिस्टल और रिवॉल्वर से तो सभी बखूबी रूबरू होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तीनों हैंडगन होने के बावजूद भी इनकी ऐसी क्या खासियत होती है जो इन्हें एक दूसरे से अलग बनाती है? इनमें से सबसे ताकतवर की श्रेणी में कौन सी गन आती है? अस्त्र शस्त्र की दुनिया में माउजर, पिस्टल और रिवॉल्वर के अपग्रेड असले लोगों के दिलों को खूब पसंद आ रहे हैं। तीनों ही हैंडगन हैं, लेकिन इन तीनों में ऐसी गजब खूबियां हों जो इन तीनों के चलने के तरीके से लेकर कीमत तक में अंतर को बयां करती हैं। बता दें कि अस्त्र शस्त्र की नई तकनीक में इन तीनों को ही अब एक हाथ से भी चलाया जा सकता है। माउजर में लकड़ी का भी कुंदा उपयोग हो सकता है, पिस्टल में एक बार में 18 गोलियां, माउजर में 20 और रिवॉल्वर में 6 राउंड फायर हो सकते हैं। माउजर एक जर्मन कंपनी का नाम है जो कि बोल्ट एक्शन राइफल तथा सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन्स का निर्माण करती है। इसके द्वारा निर्मित हथियार बहुत उच्च गुणवत्ता के माने जाते हैं। माउजर की मैगजीन ट्रिगर के आगे लगती थी, जबकि सामान्यतः सभी पिस्तौलों में मैगजीन ट्रिगर के पीछे और बट के अंदर होती है। इस पिस्तौल का एक अन्य मॉडल लकड़ी के कुंदे के साथ सन 1916 में बनाया गया था। बता दें कि इसकी प्रभावी मारक क्षमता 150 से 200 मीटर तक है। माउजर गन में 7.63 बाय 25 मिलीमीटर साइज के कारतूस का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि 0.32 बोर के रिवॉल्वर में 7.65 बाय 25 मिलीमीटर साइज के कारतूस प्रयुक्त होते हैं। 0.32 बोर रिवॉल्वर के कारतूस माउजर के कारतूसों के मुकाबले 0.02 मिलीमीटर ही अधिक होते हैं। पिस्टल एक फुल ऑटोमेटिक हैंडगन है, इसे बार बार लोड नहीं करना पड़ता। इसमें एक मैगजीन होती है जिसमें अमूमन 20 गोलियां या कारतूस भरे जा सकते हैं। इसे एक बार लोड करके जब तक मैगजीन खाली ना हो जाए, इससे लगातार फायरिंग की जा सकती है। मैगजीन खाली होने पर उसे बदलकर तुरंत फायरिंग फिर जारी रखी जा सकती है। पिस्टल की बैरल काफ़ी छोटी होती है और इसकी लंबाई 10 इंच से ज़्यादा नहीं होती। आमतौर पर ये 50 मीटर तक फायर कर सकती है। रिवॉल्वर भी एक हैंडगन है, परंतु इसमें पिस्तौल की तरह गोलियां या कारतूस भरने के लिए मैगजीन की बजाय एक ठोस सिलेंडर टाइप चक्री लगी होती है। इसमें गोलियां भरने के लिए स्थान बना होता है, इसलिए इसे व्हील गन भी कहते हैं। एक स्टैंडर्ड रिवॉल्वर में अधिकतम 6 कारतूस भरे जा सकते हैं, लगातार 6 फायर किए जा सकते हैं। इसमें एक रिवॉल्विंग सिलेंडर लगा होता है जिसमें गोलियां सेट करनी पड़ती हैं। फायर करने से पहले सिलेंडर घुमाया जाता है ताकि ट्रिगर पॉइंट के सामने गोली आ जाए और हिट होने के साथ ही फायर हो जाए। माउजर, पिस्टल और रिवॉल्वर में सबसे ताकतवर की श्रेणी में माउजर गन होती है।